दिस इज एग्जाम्पल थर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, कहता फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी, हमें क्या निकालने को बोल रहा है ए टेन। आज आपको बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर, मैं आपको एक फंडामेंटल चीज समझा दूं। एपी का कोई भी क्वेश्चन करना, कोई भी, मैं कहता हूं कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ आपको एंड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एंड। आपका दिमाग पूरा चलना चाहिए एंड पे। अब ये एंड क्या है? ए एन एन डी। ए है मेरी फर्स्ट टर्म, जो कि अक्सर मेरे क्वेश्चन में से निकलेगी। कहां से निकलेगी? क्वेश्चन में से। डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो अक्सर मेरे को एपी देगा। ये भी एपी में से निकल जाएगी और ये भी एपी में से। और ये जो चीज है ना, अक्सर दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा ए एंड डी। फिर क्योंकि हमने कल कॉन्सेप्ट कर लिया था जनरल टर्म का, आपको याद होगा जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था ए एन का? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो पक्का ए टेन, एन की जगह टेन आया तो यहां पर आ जाएगा ए प्लस टेन माइनस वन नाइन डी। क्या ये बात समझ आई? अब देखो एन मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे दिया, टेन ने दे दिया ना क्वेश्चन ने नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कौन देने वाला है? एपी। और क्या क्वेश्चन में एपी वर्ड गिवन है? बिल्कुल गिवन है। अगर कई बार वर्ड आता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो एपी का फॉर्मूला लगाने से पहले एपी प्रूफ करना पड़ेगा, वही तीन बार ही डी निकाल के या दो बार ही डी निकाल के। अगर वर्ड आया सीक्वेंस तो आपको एपी प्रूफ करनी पड़ेगी, तभी एपी के फॉर्मूले लगा सकते हो। समझ गए कि नहीं? पर यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन था? हाँ जी। अब आ जाओ इसमें ए क्या है मेरा, बोलो। टू। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेवन माइनस टू, आंसर इज फाइव। एक बार ही काम बन गया क्योंकि उसने पहले बोल दिया था एपी है। अब ये वैल्यूज यहां पुट कर दो, ए की जगह क्या आया? टू प्लस नाइन टाइम्स डी की जगह, नाइन फाइव फोर्टी फाइव एंड टू, सो मेरा ए टेन क्या आया? फोर्टी सेवन। ए टेन क्या आया? अब मैं आपको इसको ऐसे भी समझाऊं, ये है nth टर्म, 10th टर्म, ये है वैल्यू ऑफ 10th टर्म। ये क्या है? वैल्यू ऑफ 10th टर्म। इज दिस पॉइंट क्लियर? करिए नोट।